हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। बेसिक इन्फो की सीरीज में फ्रेंड नया वीडियो आ गया है, एक लेटेस्ट अपडेट जो CPWD ने इशू किया है। ऑल दो उस अपडेट को आए ऑलमोस्ट 14 दिन हो चुके हैं, बट वीडियो थोड़ा डिले है। रीज़न उसके पीछे बता दूं, बिकॉज वो पूरा का पूरा जो डिटेल था वो 5 अगस्त का जो सर्कुलर आया था उसमें क्लियर नहीं था। जो फिलहाल 14 अगस्त का जो सर्कुलर आया उससे संभव चीज़ें कुछ क्लैरिफाई हो रही हैं। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट उसको मैं थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी जो एक अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो CPWD की वेबसाइट में आया हुआ है, जो सर्कुलर्स आते हैं उनका, उसमें एक चीज़ उन्होंने क्लियर किया है रिगार्डिंग द जॉइनिंग ऑफ SSC J 2018 कैंडिडेट्स। बहुत दिनों से चीज़ें पेंडिंग थी, क्या हो रहा था डिपार्टमेंट में, कुछ भी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो रही थी। बट अभी निर्माण भवन दिल्ली जो CPWD का हेडक्वार्टर है, वहाँ से DG ने जितने भी SDGs हैं उनको एक डायरेक्शन इशू किया, जैसा पहले उन्होंने जून में भी इशू किया था। उस अपडेट के बारे में आप लोगों को बताना है। 3 पेजेस का वो एक लेटर उन्होंने इशू किया है। लेटर में क्लियर कट जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर करता हूँ। लेटर हमारे ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट जो जो पॉइंट मेंशन किए हैं एक के बाद एक मैं आपको बताते जाता हूँ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज उन्होंने सभी जो सीनियर डायरेक्टर जनरल हैं, जो रीजनल जो हेड होते हैं, उनको डायरेक्शन ये दिया है कि जितने भी कैंडिडेट्स जिनसे उनसे बेसिक रिक्वायरमेंट पूछी गई थी रिगार्डिंग योर अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, जितने भी बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने थे, अगर वो प्रॉपर फॉर्मेट में एंड प्रॉपर टाइम में उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स को अगर पहुंच गए हैं, तो उनका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपको सभी कैंडिडेट का अब एक्सेप्टेंस लेटर इशू करना है। ओके, एक्सेप्टेंस लेटर या प्रोविजनल ज्वाइनिंग, जिनको वो बोल रहे हैं प्रोविजनल ज्वाइनिंग, शॉर्ट ऑफ वर्ड वो यूज़ कर रहे हैं, वो आप लोगों को इशू किया जाएगा। दैट मीन्स विद इन अ इंटरवल ऑफ टाइम अब सभी के पास जो एक्सेप्टेंस या ज्वाइनिंग लेटर है वो जाने वाला है। बट द पॉइंट इज कि अभी जो भी आप लोगों का एक्सेप्टेंस लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के पास जाएगा, उस लेटर में एक इंस्ट्रक्शन एड ऑन जो सेकंड या थर्ड पॉइंट आपको लेटर में देखने को मिलेगा, वो उन्होंने क्लियर कट वहाँ मेंशन किया हुआ है कि अभी जितने भी कैंडिडेट्स जाएंगे, हिम और हर, उन्होंने ऐसा पॉइंट लिखा, दैट मीन्स अगर वो मेल हो फीमेल हो, जो भी कैंडिडेट हो हमारे SSC JEE के, उनको सबसे पहले रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाना है। जितने भी रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो रीजन उनको अलॉट हुआ है, और दो रीजन अलॉटमेंट की लिस्ट आ चुकी थी, तो उस बेसिस में जो भी रीजन उनको अलॉट हुआ है, इनिशियली उनको रिपोर्टिंग वहीं करनी है, और वहाँ जाने के बाद जो भी रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हेड होंगे, दे विल बी वेरीफाइंग योर ऑल द डॉक्यूमेंट जो आपने भेजा था, और उसके प्रूफ के लिए ओरिजिन आप लोगों को कैरी करना है। ऑल दो ये सब चीज़ें आपको एक्सेप्टेंस लेटर या जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है उसमें आपको लिख के जरूर आएगा कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको कैरी करके ज्वाइनिंग के टाइम पर जाना है। 26 वीक्स की ट्रेनिंग आप लोगों की कंडक्ट होगी जितने भी रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे, इनिशियल ट्रेनिंग रहती है। उसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है कि जस्ट 1 मंथ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग, दैट मीन्स 26 वीक्स अगर बोला जाए तो वो होते हैं टोटल 6 मंथ्स, तो आफ्टर जस्ट कंप्लीशन ऑफ 5th मंथ आप लोगों को जो पर्टिकुलर पोस्टिंग ऑफिसर्स अलॉट होने हैं उसका भी एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर आप लोगों के पास आ जाएगा कि कौन कौन सा ऑफिस आप लोगों को अलॉट किया गया है। रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कॉमन ट्रेनिंग सभी की होनी है, वहाँ पे आपको बेसिक थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा, डिपार्टमेंट में कैसे क्या काम करना, व्हाट आर द बेसिक प्रोसीजर्स इन दैट। उसके बाद एक पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोलूँ जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए शॉर्ट ऑफ एक वार्निंग या अलर्ट जो इशू किया गया है, एंड द पॉइंट इज कि अगर कोई भी कैंडिडेट इस एक्सेप्टेंस लेटर को रिसीव करने के, ऑल दो उन्होंने 2 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है कि 2 मंथ्स के टाइम के इंटरवल में सभी चीज़ें कंडक्ट होकर ज्वाइनिंग लेटर इशू होना है, ओके, बट द पॉइंट इज अगर कोई भी कैंडिडेट का रेस्पॉन्स नहीं आता रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग, तो उनको सिर्फ एक रिमाइंडर दिया जाएगा कि वेदर यू आर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट और नॉट फ्रॉम द इनिशियल जो रिपोर्टिंग आपकी रहेगी जो रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। अगर उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है, देन DG का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जाए, दैट मीन्स उनका जो अपॉइंटमेंट है कैंसिल होके वो रिपोर्ट हायर हेडक्वार्टर को पहुंच जाएगी फ्रॉम द SDG जो सीनियर डायरेक्टर जनरल है, वहाँ से DG ऑफिस, दैट इज निर्माण भवन न्यू दिल्ली। ये तीनों चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल्दो सुनने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सर डिले ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी अब ये सब चीज़ें क्यों, जस्ट बिकॉज जो पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो में डिले क्यों बना रहा हूँ, वो रीज़न अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। 5 तारीख को अगर आप लोग सर्कुलर देखते हैं जो आया था, उसमें दिया गया था कि कौन कौन से रीजन में कितने कितने कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट हुआ है, कितने कैंडिडेट्स को अलॉट किया गया, कौन कौन सा रीज़न। वहाँ पे कुछ डेटाज जो थे वो टैली नहीं हुए थे, ओके, एंड उसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने 14th अगस्त को जो सर्कुलर इशू किया उसमें मेंशन किया है, स्पेशली जो नॉर्दर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के जो उन्होंने न्यूमेरिक डेटा दिया था वो मिसमैच था, और उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया 14th अगस्त के लेटर में। ऑल्दो दोनों लेटर को क्लब करके ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो दैट
आप लोग को ये तो क्लियर हो जाए कि एटलीस्ट डिपार्टमेंट में जो एक्शंस हैं वो चल रहे हैं, डिपार्टमेंट ऐसा चुप नहीं बैठा है दैट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू द ज्वाइनिंग लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर। एक डाउट जो पहले रह गया था, अभी 5 अगस्त वाले सर्कुलर से ये क्लियर हो गया है कि अभी आप लोगों को रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिपोर्ट करना है एंड आफ्टर जस्ट 1 मंथ बिफोर कंप्लीशन आप लोगों को जो भी ऑफिसर्स की पोस्टिंग है वो इश्यू कर दी जाएगी। तो फिलहाल एक मेंटल कंडीशन आपको यह बनानी है कि आपको रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही फिलहाल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, जितने भी आपके रीजन के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने होंगे वहाँ पे दे विल बी प्रोवाइडिंग सम एकोमोडेशन और समथिंग जहाँ पे आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो एंड आफ्टर दैट आप लोगों को फाइनल पोस्टिंग ऑफिसर्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स मोस्टली जो टॉपिक मुझे कवर अप करना था, जस्ट फॉर योर इंटीमेशन, जस्ट फॉर योर अलर्ट कि आप लोग भी अब थोड़ा सा जो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ अभी फिर से बोल रहा हूँ कि वेबसाइट को रेगुलरली देखिएगा और वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को मिलती है वो प्लीज़ आपके जितने भी CPWD वाले फ्रेंड्स होंगे जिनकी अभी ज्वाइनिंग आनी है उनको जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट एक कॉमन इन्फॉर्मेशन सभी तक शेयर हो जाए। 1.5 से 2 महीने का नियर बाय जो डिले हुआ है दैट वॉज द रिगार्डिंग जो कैंडिडेट्स ने अपने प्रेफरेंस अटेस्टेशन फॉर्म नहीं भेजे थे, स्पेशली पहला इशू था जो रीजन प्रेफरेंसेस का था और वो नहीं भेजा था इसलिए डिले हुआ था। आफ्टर दैट द कोविड इशू जिस वजह से उन्होंने खुद इन चीज़ों को डिले किया था एंड नाउ जून के बाद फिलहाल अभी अगस्त में जो सर्कुलर आया है उसमें यही चीज़ें बोली गई हैं कि द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द टाइमिंग एंड 2 मंथ का टाइम आपको दिया जाएगा कि आपको जो भी एक्सेप्टेंस या ज्वाइनिंग है वो आपको करना है। डेडलाइन विल बी प्रोवाइडेड कि कौन से डेडलाइन के पहले आपको ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना है एंड विद इन दिस 2 टाइम इंटरवल ओनली यू विल बी मेकिंग क्लियरली योर सेल्फ वेदर यू आर ज्वाइनिंग द डिपार्टमेंट और नॉट। नहीं ज्वाइन होके देन द रिपोर्ट विल बी सेंड एंड द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड इफ द कैंडिडेट डिडंट रिस्पॉन्ड और द कैंडिडेट डिडंट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग इन द डिपार्टमेंट। ओके, आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन का मैटर हो, प्लीज़ हमारा टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उससे ज्वाइन करके वहाँ पर डिस्कशन में जरूर आ जाना, योर डाउट्स विल बी क्लियर। और भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आके, टेलीग्राम में आके हमसे जरूर डिस्कस कर सकते हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।